हे गाइस, व्हाट्सअप यार, देखो इंस्टाग्राम पर जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, इंस्टाग्राम स्टोरी में अब स्वीप अप वाला जो ऑप्शन है वो अब रिमूव कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह पर अब एक लिंक वाला ऑप्शन शो करता है, जिसकी मदद से आप अपनी स्टोरी में किसी भी चीज़ का लिंक शेयर कर सकते हो, चाहे वो यूट्यूब वीडियोज़ हो या यूट्यूब का चैनल का लिंक हो या फिर आपकी वेबसाइट का लिंक हो। यहाँ पर ये ऑप्शन मुझे भी शो नहीं करता था, मुझे भी ये अभी तक नहीं दिया गया था। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर स्टोरी में मुझे लिंक वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, लेकिन इसे मैंने आज अनेबल किया है। कैसे किया है, कैसे आप इसे लिंक को अनेबल कर सकते हो और ये लिंक वाला ऑप्शन आपकी स्टोरी में भी शो कैसे कर सकता है और उसे कैसे आपने यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो यार, वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज आप ये नहीं कर पाओगे और कमेंट में आकर आप ये बोलोगे कि भाई आपकी ट्रिक वर्क नहीं कर पा रही। तो चलिए, सबसे पहले आपने इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है। कुछ इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद आपकी ये जो होम स्क्रीन होती है, आपकी प्रोफाइल का जो होम पेज होता है, आपने इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप उसका भी स्क्रीनशॉट लो और ये वाले पेज का भी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। इन दोनों का स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने ऊपर में जो थ्री लाइनिंग मिलती है उस पर क्लिक करना है, सेटिंग में जाना है, उसके बाद आपको अकाउंट्स पर क्लिक करना है यहाँ पर, और फिर यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम ये फर्स्ट ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से आपको ऑप्शन मिलेगा रिपोर्ट ए प्रॉब्लम, थर्ड वाला ऑप्शन है, इस पर आपने क्लिक करना। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पर दिख जाएगा और यहाँ पर आपने वो दोनों स्क्रीनशॉट जो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, दोनों स्क्रीनशॉट को वन बाय वन आपने यहाँ पर अटैच करना है कुछ इस तरीके से। और अटैच करने के बाद यहाँ पर जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे ब्रीफली यहाँ पर आप लिख सकते हो। इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कुछ इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो इससे बेटर अपने हिसाब से लिख सकते हो। लिखने के बाद ऊपर में एक सबमिट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपने सबमिट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप नोट नाउ कर सकते हो और इसके बाद आपने यहाँ पर वेट करना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट ही में आपका काम हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि 24 आवर्स तक का टाइम लग सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको अपना टाइम दिखा देता हूँ कि अभी कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 10:06 PM है, मतलब 10:06 हो रहा है और ये नाइट का वक्त है। एक बार फिर से मैं आपको शो कर देता हूँ कि यहाँ पर मुझ में ये शो कर रहा है या नहीं कर रहा लिंक वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे कुछ भी फ़ोटो सेलेक्ट करते हैं, इसके बाद स्वाइप अप करते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो अभी भी लिंक वाला ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर वेट कर लेते हैं। A few moments later. तकरीबन 10 मिनट वेट करने के बाद दोस्तों, मैं दोबारा से यहाँ पर चेक करता हूँ कि मेरी स्टोरी में लिंक वाला ऑप्शन शो कर रहा है या नहीं कर रहा, कि ये अभी तक अनेबल हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी एक फ़ोटो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि ये एक फ़ोटो है, मेरी फ़ोटो है, तो मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसके बाद स्वाइप अप करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बूम, यहाँ पर लिंक वाला ऑप्शन अब मेरी आईडी में शो करने लगा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब इसे यूज़ करने के लिए लिंक पर क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी लिंक शेयर कर सकते हो। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी कर रखा है, तो मैं इसे यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ऊपर में डन का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पर आप देख सकते हो youtube.com आ गया है। और अब आप जैसे स्टोरी को सजाते हो, म्यूज़िक वगैरह लगाते हो, आप लगा लेना, जैसा कि मैंने यहाँ पर लगा लिया है। इसके बाद इसे सेंड कर देते हैं, या फिर यूँ कहें शेयर कर लेते हैं अपनी स्टोरी में, और इसे पोस्ट करने के बाद मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि ये कैसा काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये मुझ में लग गया है, स्टोरी में लग चुकी है और इस पर कोई भी क्लिक करके
मेरे YouTube चैनल पे आ जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है ये, बहुत दिनों से मुझे अभी तक नहीं मिला था क्योंकि भाई मेरे टाइम भी नहीं मिल रहा था कि मैं इसके लिए काम कर पाऊँ। तो अभी आप देख सकते हो ये मेरी आईडी में अनेबल हो चुका है। तो यार मेरी आईडी में आप आके विजिट करके भी चेक कर सकते हो इंस्टाग्राम पर जाकर। चैनल को सब्सक्राइब करना यार बिल्कुल भी मत भूलना।